केस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे, वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिसेटिस्फैक्शन लेके आया, कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे से समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों ले आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी दो मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला, सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर, तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब NTA खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी के परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लेवल ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। क्या काउंसलिंग इस पे मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा जिस तरह से 1500? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, रैंकिंग पे पड़ेगा, रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी। क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते हैं काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेरेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर है चीज़ों को वापस सही करने की। हाँ, सुनवाई हुई हमारी, हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट NTA ने आके क्लेरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पर कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवॉर्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपियर होंगे 23rd of June को और इनका रिजल्ट 30th of June को डिक्लेयर किया जाएगा। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ, ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये 1563 लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे तो फिर से मेरिट या जो कहते हैं कि क्राइटेरिया उनकी रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी? ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है।